दिल्ली शराब नीति घोटाला सीबीआई और आईजी ने भी आपको आरोपी माना, ईडी की चार्जशीट में दावा। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। दिल्ली शराब नीति मामले में 45 करोड़ की कथित रिश्वत का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने 2022 में गोवा में चुनाव प्रचार के लिए किया था। सीबीआई और आयकर विभाग ने भी अलग अलग जांच में प्रवर्तन निदेशालय के दावे की पुष्टि की है। अदालत में दाखिल दस्तावेजों से ये जानकारी मिली। ईडी ने इस मामले में हवाला ऑपरेटरों और अंगड़ियाओं के नेटवर्क की भी जांच कर रहा है। ईडी ने हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। साथ ही दावा किया कि इन फंड की कथित हेराफेरी में उन पर और उनकी पार्टी पर मुकदमा चलाया जा सकता है। 45 करोड़ रुपए की रिश्वत के मनी ट्रेल को स्थापित करने के लिए ईडी ने 5 अंगड़िया फर्म संचालकों के बयान भी दर्ज किए हैं। इस मामले में गिरफ्तार 16 प्रमुख व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच में सामने आया, पीएमएलए के तहत विशेष अदालत के समक्ष ईडी द्वारा साझा की गई जांच के विवरण के अनुसार आप ने चैरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी की 2021 और 22 के दौरान गोवा में अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान सेवा ली। जांच में पाया गया कि कई विक्रेताओं को आंशिक नकद बिल भुगतान किया गया। ईडी इस मामले में हवाला ऑपरेटरों और अंगड़ियाओं के नेटवर्क की भी जांच कर रहा है। ईडी ने हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। साथ ही दावा किया कि इन फंड की कथित हेराफेरी में उन पर और उनकी पार्टी पर मुकदमा चलाया जा सकता है। 45 करोड़ रुपए की रिश्वत के मनी ट्रेल को स्थापित करने के लिए ईडी ने 5 अंगड़िया फर्म संचालकों के बयान भी दर्ज किए हैं। इन मामले में गिरफ्तार 16 प्रमुख व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच में सामने आया, पीएमएलए के तहत विशेष अदालत के समक्ष ईडी द्वारा साझा की गई जांच के विवरण के अनुसार आपने चैरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी की 2021 और 22 के दौरान गोवा में अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान सेवा ली। जांच में पाया गया कि कई विक्रेताओं को आंशिक नकद बिल भुगतान किया गया। हवाला से पैसा रत्न पहुंचाते हैं अंगड़िया। हवाला जैसे अनौपचारिक कुरियर और बैंक सेवाएं हैं। इनका उपयोग विशेष रूप से हीरे और आभूषण के व्यवसायियों द्वारा सरकारी करों और कर्तव्यों से बचने के लिए बड़ी नकद राशि एवं अन्य कीमती सामान स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। आपने सभी आरोपों को खारिज किया। आप और उसके नेताओं ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। आपने आरोप लगाया कि ये मामला भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा आपको एक भ्रष्ट पार्टी के रूप में पेश करने के लिए गढ़ा गया। पार्टी ने आरोप लगाया कि मामले में शामिल अन्य लोगों जैसे टीडीपी के लोकसभा उम्मीदवार मगुंटा श्रीनिवास सुरू रेड्डी, उनके बेटे राघव मगुंटा और व्यवसायी और अरविंदो फार्मा के प्रमोटर शरद रेड्डी के बयान केजरीवाल को फंसाने एवं आगामी आम चुनावों में उनकी भागीदारी को रोकने के लिए बदल दिए गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।